सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं एक टाटा पंच की मॉडिफिकेशन, जो कि गाइस बिल्कुल बेस्ट टू टॉप होने वाला है। भाई आपको एक बार अंदर से इसका व्यू दिखाता हूं, आपको पता लग जाएगा गाइस हमारा कौन सा वेरिएंट जो है होने वाला है। बाकी एक बार आपको मैं दिखा देता हूं। भाई यहां से आप जज जो है कर सकते हो, बिल्कुल हमारा बेस्ट वेरिएंट होने वाला है। बाकी भाई इसको हम बिल्कुल जो टॉप बनाने वाले हैं। सबसे पहले भाई आपको मैं हमारे कस्टमर से मिलाने वाला हूं, जिनकी भाई हमारी कार होने वाली है। तो हेलो भैया, सबसे पहले आप ये बताओ कि भाई आपका पंच लेने का प्लान क्यों बना? यह पंच ऐसा है कि इस बजट के अंदर सबसे ज़्यादा जो बजट फ्रेंडली गाड़ी आ रही है और एसयूवी वाला फील दे रही है जी भैया, हमने इसी वजह से पंच ली। हाँ ठीक है भैया, तो मतलब बेस वेरिएंट क्यों लिया आपने? यह बेस वेरिएंट इसलिए लिया कि टॉप वेरिएंट 10.5 लाख रुपए का है इसका क्रिएटिव जी भैया, और बेस वेरिएंट 6.5-7 लाख रुपए में आ जाता है जी भैया, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा फर्क था। फिर स्काई कार्स पे बात करी और भी वीडियोज़ देखी, 1-1.5 लाख रुपए के अंदर गाड़ी कंप्लीट क्रिएटिव मॉडल की बन सकती है। तो भैया आपको ये बताओ कि भाई का सबसे पहले मैं व्यूअर्स आपको बताता हूँ कि भैया का प्लान था बिल्कुल बेस मॉडल लेने का, उसको अपने हिसाब से पर्सनलाइज करवाने का। तो भैया आप वीडियो देखकर आए हो भाई यहाँ पे पंच का काम करने? मैं वीडियो देख के। तो भैया आप ये बताओ कि सबसे पहले आप स्काई कार पे क्यों आए? भैया स्काई कार्स की मैंने पंच की वीडियो देखी थी, एक तो इनके पास जेन्युइन टाटा की एसेसरीज मिलती है सारी जी भैया, और जो पिछले जो वीडियोस थी उनका मैंने काम देखा था, बहुत अच्छा फीडबैक था, कस्टमर की वीडियो भी मैंने देखी थी जी जी जी। तो इसी वजह से कई सारी वीडियोस देख के इनसे बात की मैंने, रेट्स भी इनकी जेन्युइन है इसलिए मैं यहाँ पे आया। तो भैया आप अभी तक काम से पूरा सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल। तो भाई कस्टमर यहाँ पे फुली सेटिस्फाइड है काम से, बाकी बिल्कुल बेस्ट शूट ऑफ हो रहा है। एक बार मैं आपको इंटीरियर में लेकर चलता हूँ, इंटीरियर से दिखाता हूँ कि इस कार के अंदर क्या क्या काम हो रहा है। तो भाई बिल्कुल इसके अंदर हम जो टैन एंड ब्लैक का इस कंसेप्ट रख रहे हैं अंदर से, बाकी अभी सीट कवर्स हमारे ये वाले लगे हैं। अगर आपको मैं इसके दो टेम से दिखाता हूँ तो भाई यहाँ पे जो है इसके अंदर हमारे एवटार के गाइस हमने पीछे की तरफ एक्सल स्पीकर इंस्टॉल करे हैं, फ्रंट में गाइस इसके अंदर हमने कॉम्पोनेंट्स लगाए हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ अभी। बाकी जो ऑटोमैटिक गोल्ड डैम्पिंग इसके अंदर हम कर रहे हैं, जो कि भाई हम आपको रेकमेंड करते हैं क्योंकि जो डैम्पिंग है ये वाली क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा रेट है एंड जो क्वालिटी मिलती है आपको इस बजट में वो भी काफ़ी अच्छी हमको इसमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टिकनेस आने वाली वो भी काफ़ी अच्छी है, थिकनेस देखोगे 2 mm से इसकी ज़्यादा ही हमको देखने को मिलेगी। यहाँ पे पूरा पियानो ब्लैक करा है, बाकी अभी पीछे की तरफ है, अभी हम ट्विटर से इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। एंड जैसा आपको पता है बेस वेरिएंट है तो पीछे इसके अंदर हमको पावर विंडो नहीं मिलती, तो वो भी गाइस इसके अंदर अभी हम लगाने वाले हैं। टाटा ओरिजिनल की पावर विंडो जो होते हैं जेन्युइन एक्सेसरी, वो हम इसके अंदर जो है इंस्टॉल कर लेंगे। इसके अंदर जो है मैट्रिक्स यहाँ पे 9 इंच का एंड्रॉइड सिस्टम ऐड करेंगे, बाकी जैसे ही हमारे लगता है मैं आपको काम दिखाता हूँ। सारा काम गाइस कपलर टू कपलर, कोई भी इसके अंदर वायरिंग जो है कट हमने नहीं करी है। बेस वेरिएंट है तो भाई इसके अंदर हमको हमारे स्टीयरिंग माउंटेड वाले कंट्रोल नहीं मिलते, तो वो भी इसके अंदर जो है हमने इंस्टॉल करे है। देख सकते हो भाई यहाँ पे पूरा पियानो ब्लैक का इंसर्ट लगाया है, जो आप जो गाइस ये वाली आप पट्टी देख रहे हो ये पूरी चेंज हुई है, तो इससे गाइस ये बिल्कुल हमारा चेंज करा है। बाकी हमारा स्टीयरिंग पूरा इसके अंदर हमने रैप करा है। यहाँ पे देख सकते हो भाई यहाँ पे जो है टैन एंड ब्लैक कलर का कंसेप्ट हम कार के अंदर रख रहे हैं। सीट कवर्स अभी गाइस पूरी गाड़ी में नहीं लगे, सिर्फ हमारे जो यहाँ पे ड्राइवर साइड पे लगे, तो यहाँ पे आप सीट कवर्स की फिनिशिंग देख सकते हो भाई एकदम प्रॉपर आने वाले हैं। कुशनिंग भी देखोगे काफ़ी ही बढ़िया इसके अंदर हमने ऐड करी है, तो भाई देख सकते हो जो सीट कवर की जो लुक है वो भी काफ़ी अच्छी इसके अंदर हमको देखने को मिल जाती है। आपका मैं दिखाऊंगा डैम्पिंग गाइस जो हम यूज़ कर रहे हैं रॉ, अगर आप देखते हो तो भाई ये वाली कुछ डैम्पिंग शीट हमको ऐसी सी मिलती है जो कि काफ़ी ही हैवी होने वाली है, वो आप जो चेकआउट कर सकते हो। बाकी इसके अंदर गाइस अभी काफ़ी सारा और भी काम हो रहा है फ्लोरिंग में, गाइस इस पूरी कार के अंदर में 3D वाली फ्लोरिंग करी है जो भाई फ्रंट से लेकर पूरा अपना यहाँ तक आती है, तो भाई फ्लोरिंग के काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे मेन जो होता है भाई ये होता है कि जो अपना हमारी जो गाड़ी का स्टॉक कपड़ा आता है वो गंदा होता है, काफ़ी ज़्यादा स्मेल होती है, लेकिन भाई फ्लोरिंग लगाने के बाद ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं रहता, आप इजीली जो कुछ भी गिरता है तो आप एकदम आसानी से उसको जो यहाँ पे हटा सकते हो, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। बाकी फ्रंट से अगर आपको मैं दिखाता हूँ तो भाई ओरिजिनल पावर विंडो इसके अंदर हम लगा रहे हैं, जैसे ही वो लगेगी आपको मैं रिस्पांस भी चेक करवा दूंगा। तो भाई यहाँ पे जो है हमने फ्रंट में जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि इसमें इसके अंदर हम एवटार के कॉम्पोनेंट्स इंस्टॉल कर रहे हैं, तो क्रॉस ओवर हमारा भाई इस तरह होने वाला है। भाई आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कोएक्सियल स्पीकर के अंदर क्रॉस ओवर एंड ट्विटर्स हमको नहीं मिलते, जबकि अगर हम कंपोनेंट्स लेते हैं भाई यहाँ पे क्रॉस ओवर एंड ट्विटर दोनों ही हमको साथ में मिल जाते हैं। तो जैसे पावर विंडो का काम कम्प्लीट होता है इसके अंदर हम कभी क्रॉस ओवर को भी ऐड कर देंगे अच्छे से, एंड ट्विटर की प्लेसमेंट गाइस हमारी यहाँ पर हो जाएगी। एंड में अगर देखता हूँ भाई यहाँ पे पूरा अपना इंसर्ट आने वाला जैसे टॉप वेरिएंट में आता है वो भी इसके अंदर हम लगाएंगे पावर विंडोज का। जो हमारे ऑटो फोल्ड वाले मिरर्स आते हैं गाइस वो भी हमारे इस तरह प्लेस होते हैं, तो जैसे ही वो लगेंगे मैं आपको मैं दिखा दूंगा, तो आप अपने ऑटोमेटिकली गाइस इनको यहाँ पे जो कर सकते हो। बाकी उसके बाद अगर आपको मैं दिखाता हूँ भाई स्टीयरिंग, तो भाई स्टीयरिंग आप एक बार यहाँ पे चेकआउट जो है कर सकते हो कितना है, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ इसका स्टीयरिंग हमने ऐड करा है। सीट कवर्स अगर आप देखते हो भाई एकदम काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बाकी इसके अंदर गाइस अभी हम अब स्कफ प्लेट्स भी लगाई है इसके अंदर हमने, एंड जो ओवर व्हीम चेस के ऊपर कैसे हम पियानो ब्लैक पूरा ऐड करेंगे, तो ये आप देख सकते हो भाई पूरा अपना जो पियानो ब्लैक वाली फिनिशिंग आती है वो गाइस पूरी अपनी ऐसी होने वाली है, तो ये एकदम गाइस हमारा इंसर्ट यहाँ पे हो जाता है एंड एकदम ये गाइस पूरा एकदम आपको ऑसम सी का जो फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। कार के अंदर अभी हम फ्लिप की भी लगाएंगे जो टाटा ओरिजिनल आती है, बिल्कुल वैसे हम इसके अंदर भी इंस्टॉल करेंगे। बाकी भाई देख सकते हो मैट्रिक्स के यहाँ पे 9 इंच का एंड्रॉइड सिस्टम ऐड करा है। फ्रेमिंग आप देख सकते हो भाई जो फ्रेम आता है
एकदम ओईएम टाइप फ्रेम आता है, बिल्कुल जो प्रॉपर फिनिशिंग आती है वो इसके अंदर हमको जो है इसमें देखने को मिल जाती है। बाकी भाई देखोगे जो मतलब काफ़ी अच्छे से इसमें हमको फिनिशिंग मिल जाती है। बाकी जैसे गाइस अभी चाबी बनकर आती है अपनी, वो आपको मैं दिखाता हूँ चाबी, साथ में ये ऑन करके दिखाऊंगा एंड भाई ये भी आपके पास चेक करा दूंगा किस तरीके से गाइस हमारे फंक्शन करते हैं। बाकी गाइस आपके पास ऑप्शन आता है कि आप जो हमारी वाइट फ्रेम है जैसा टॉप रेंज में आता है क्रिएटिव में, आप बिल्कुल ये भी वैसा करवा सकते हो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। बाकी इसके बाद अगर मैं आपको फ्रंट से दिखाऊंगी गाइस फ्रंट में क्या काम हो रहा है, तो फ्रंट से बिल्कुल गाइस टॉप वेरिएंट है इसको हम बना रहे हैं, पूरा एलईडी का सेटअप करा है फ्रंट में भी इसके अंदर अपने। तो भाई जैसे आप देखोगे इधर का ये हमारी डीआरएल, ये हमारी स्टॉक आती है, इसके ऊपर बोनट को वाली डीआरएल हम इसके अंदर हमने ऐड करे जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है। तो ये गाइस दोनों साइड जो है हमारी इस वाली डीआरएल के ऊपर जो प्लेस हो जाती है, इसके अंदर भाई कोई भी वायरिंग कट नहीं होती, सारा काम कपलर टू कपलर वाला होता है। अभी आपने भाई देखोगे किस तरीके से गाइस ये ब्लिंक करते हैं, इंडिकेटर से भी गाइस ये एकदम फ्लोटिंग डिजाइन में यहाँ पे चलती है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो भाई जो हमारे गाइस नीचे फॉगलेट्स है उसके अंदर भी हमने गाइस यहाँ पे वाली ड्यूल फंक्शन वाली फॉगलेट्स ऐड करे हैं, अपने ये जो स्टॉक आता है उस पर ऐसे चलेंगे, लेकिन जैसे ही इंडिकेटर ऑन होगा तो भाई ये सारे एकदम ब्लिंक करने भी लगेंगे। ऊपर की तरफ भाई इधर भी हमारे हैलोजन सेटअप को ऐड करा है, जो भी अभी लगेगा मैं आपको चेक कराता हूँ रिस्पॉन्स, नाइट में भी रिस्पॉन्स दिखाऊंगा कि किस तरीके से गाइस इसका रिस्पॉन्स आ जाता है। तो गाइस अभी तक वीडियो को हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, जैसे ही गाइस काम कंप्लीट होता है मैं आपको आगे जो है अपडेट कर दूंगा। अभी जो कार का काम है मोस्टली 90% जो कंप्लीट हो चुका है, एक बार आपको एक बार डिटेल में बता दो क्या क्या होता है, देन हम गाइस वीडियो को जो है एंड करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। रूफ में गाइस कस्टमर का थोड़ी सी माइंड चेंज जो है, उन्होंने भाई यहाँ पर स्पॉइलर ऐड करवाया है, भाई देख सकते हो स्पॉइलर की जो लुक है वो काफ़ी बढ़िया आ रही है, बिल्कुल भाई जो स्पॉइलर की जो स्पोर्टी लुक आ रही है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी रूफ रेल जिसके अंदर हमने लगाई है पूरा वो जो है चेकआउट कर सकते हो। फ्रंट से एक बार मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या काम हुआ है, भैया एक बार लाइट ऑन करना फ्रंट से, भाई आपको मैं दिखा देता हूँ क्या क्या काम हुआ है। तो भाई यहाँ से देख सकते हो फ्रंट में भाई अपना ये वाला काम हुआ है, गाड़ी की जो लुक है काफ़ी एकदम जो स्टाफ टाइप लुक आ रही है वो आप जो है चेकआउट एक बार कर सकते हैं। भाई देख सकते हो जैसे इंडिकेटर से मैंने आपको बताया था, तो भाई इंडिकेटर्स पर देखोगे भाई यहाँ पे जो अपनी यहाँ पे फ्लोटिंग लाइट है भाई ये कितनी प्यारी लग रही है। बाकी ये भी भाई देख सकते हो भाई किस तरीके से ये अपनी लग रही थी, भाई ये देख सकते हो भाई जो अपना पैटर्न आ रहा है वो भी काफ़ी गाइस प्यारा लग रहा है। अगर आप देखते हो भाई ये आप जो एकदम प्रॉपर तरीके से गाइस चेकआउट जो है कर सकते हो। बाकी एक बार आपको अंदर लेके चलता हूँ, अंदर दिखाता हूँ क्या क्या काम हुआ है। एंड गाइस कार के अंदर जो फ्रंट के अंदर हमने सेंसर भी लगाया, भाई रियर में तो जैसे ही आपको पता है आते ही है, लेकिन भाई फ्रंट में आपने काफ़ी कम गाड़ियों में देखे होंगे तो ये भी लगाया है। बाकी जो फ्रंट का गाइस बम्पर इससे आगे स्टील प्लेट भी लगाई है वो आप देख सकते हो पूरा, ये भी अपना सिल्वर लाइनिंग होने वाले, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। एक बार आपको मैं इंटीरियर में लेकर चलता हूँ, इंटीरियर में दिखाता हूँ क्या काम कंप्लीट हो चुका है। बाकी आप सीट कवर अगर आप देखते हो तो टैन कलर में सीट कवर जिसके अंदर हमने ऐड करे जो गाइस हमारे फुली लेदर के होने वाले, तो वो आप देख सकते हो काफ़ी ही बढ़िया लग रहे हैं। स्कफ प्लेट के आप लोग देखते हो तो पर नाइट में जो कितनी बढ़िया आने वाली है। बाकी एम्बिएंट लाइट देख सकते हो भाई आप, एम्बिएंट लाइट अपने में कितनी अच्छी लग रही है, ये हमारी फुली जो फोन कंट्रोल होने वाली है। एंड आरजीबी लाइट है तो भाई देख सकते हो जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं मतलब हर तरह भाई इक्वल आने वाला रिस्पॉन्स, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, कार्डी की गाइस इसके अंदर हमने यूज़ करी है। बाकी एक बार आपको मैं दिखाता हूँ भाई जो अपना इसके अंदर फ्रंट में गाइस हमारा एंड्रॉइड सिस्टम लगा है, एक बार आपको मैं उसकी फील दिखाता हूँ कि भाई वो किस तरीके से लग रहा है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो जो अपना एंड्रॉइड सिस्टम है इसका टच रिस्पॉन्स देख सकते हो भाई कितना ही बेहतर है, इसका टच रिस्पॉन्स इसके अंदर हमको देखने को मिलेगा। बाकी काफ़ी सारे फीचर्स इसके अंदर हमको मिलते जैसे अपना एंड्रॉइड ऑटो हो गया, एप्पल कारप्ले, ये सारे फीचर्स इसके अंदर हमको जो है देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छा गाइस इसके अंदर रिस्पॉन्स मिलेगा। बाकी आपको अगर एक बार स्टीयरिंग आप देखते हो तो ये भी काफ़ी अच्छा भाई लग रहा है, यहाँ पे पूरा हमें स्टीयरिंग माउंटेड वाले कंट्रोल है, ये आप देख सकते हो भाई ये भाई एकदम अपने प्रॉपर तरीके से भाई अपने वर्किंग होने वाले आप चेकआउट जो है कर सकते हो भाई। बाकी जो फिनिशिंग आ रही है भाई शेयरिंग की वो भी काफ़ी अच्छी इसके अंदर हमको देखने को मिलेगी। भाई इधर अपना जो है पूरा माइक वगैरह सारा सेटअप कंप्लीट है, एम्बिएंट लाइट आप देख सकते हो भाई। बाकी एक बार अगर आपको मैं इसकी कीज़ दिखाता हूँ तो भाई कीज़ आप अगर इसकी देखोगे भाई बिल्कुल अपनी फ्लिप की होने वाली टाटा की, तो भाई कुछ ऐसी कीज़ मिलने वाली है, तो भाई ये देख सकते हो भाई एकदम प्रॉपर आने वाली है, बिल्कुल टाटा की जैसी हमारी टॉप मॉडल में आती है वैसे आपको लगने वाली है। बाकी ये भाई अभी थोड़ा बहुत पैक होगा, बस इसकी डैम्पिंग रही है डोर की, बाकी सारा काम का एकदम जो कंप्लीट है। अभी भैया अभी ये यहाँ की जो एमएम लाइट है इस वाला डैशबोर्ड की वो इंस्टॉल कर रहे हैं, बाकी का जो काम है एकदम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। फ्रंट से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ एंड भाई उसके बाद अगर आप देखोगे भाई जो इसके अंदर हमने व्हील कैप्स लगाया है भाई वो भी काफ़ी प्यारा, आप देख सकते हो जो मैंने व्हील कैप्स इसमें लगाया भाई बिल्कुल अपने जो अलॉय टाइप लुक में इसके अंदर हमको देखने को मिलेंगे, वो भी काफ़ी प्यारा लगता है। भाई यहाँ पे आप देखोगे ताइवान कंपनी के इसके अंदर हमने व्हील कैप्स भी इंस्टॉल करे हैं। अगर आपको मैं दूर से इसकी लुक दिखाता हूँ तो भाई बिल्कुल यहाँ पर जो इसकी अलॉय टाइप वाली इसकी लुक आने वाली है, एंड इसके पीछे जो पीछे की टेलेट होती है इसके आसपास हमने भाई क्रोम जो है अपनी ब्लैक क्रोम वाली गार्निश लगाई है, जिसके साथ में हमको रेड इंसर्ट्स भी देखने को मिलेंगे। पार्सल ट्रे लगाई है यहाँ पे भाई, ये अपनी एलईडी में करी है। रिवर्स कैमरा इसके अंदर हमने इंस्टॉल करा है वो आप देख सकते हो, एक बार मैं आपको रिवर्स कैमरा की गाइस वो भी दिखाता हूँ। रिवर्स कैमरा की भाई जिस तरीके से इसकी फिनिशिंग आई वो आपको मैं दिखा देता हूँ। बाकी अभी फ्रंट में जो है इसकी हेडलैम्प्स है वो भी आपको मैं एक बार जो चेक करा देता हूँ, देख सकते हो भाई यहाँ पे जो अपनी रिवर्स कैमरा है अभी थोड़ा बहुत डिक्की खुली हुई है,
बाकी आप रिस्पॉन्स देख सकते हो कितना बढ़िया इसके अंदर हमको रिस्पॉन्स जो है देखने को मिल जाएगा। बाकी फ्रंट में आपको मैं इसकी हेडलैम्प्स है वो भी दिखा देता हूँ जो मैंने इसके अंदर LED में इंस्टॉल करी है। तो भाई ये आप पूरी तरीके से एक बार जो चेकआउट कर सकते हो, जो अपनी फ्रंट की गाइस LED वाली लाइट्स इसके अंदर हमने इंस्टॉल करी है वो काफ़ी प्यारी लग रही है। अगर आप देख रहे हो पूरा जो है फ्रंट से अपना LED सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मैं दिखाता हूँ भाई यहाँ पे रिस्पॉन्स देख सकते हो भाई काफ़ी अच्छा इसके अंदर हमको जो है देखने को मिल जाता है। गाइस यहीं पे एंड करते हैं हमारी आज की वीडियो को, मिलता है सबसे नेक्स्ट वीडियो में। होप करता हूँ और आपको हमारी आज की इसकी पंच की जो है बेस्ट टू टॉप 0 to 0 का काम जो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड स्काई कार पर भाई अपना प्यार ज़रूर से दिखाना। तब तक ले भाई, टेक केयर।